ओके गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम इन सनशाइन एकेडमी। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। द नेम इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। सो यस्टरडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूसीएम, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूसीएम? A particle moves from circumference of a circle in a constant speed but different direction. Different direction. This is the definition of UCM. So the motion of a particle along the circumference of a circle with a constant speed but variable direction. मतलब उसका जो motion रहेगा particle का वो कैसा रहेगा, उसकी जो speed है linear speed या फिर angular speed वो constant रहेगी, लेकिन हर बार उसकी डायरेक्शन कैसी होंगी, चेंज होंगी, उसको कहते हैं अपन यूसीएम, बराबर है। तो यूसीएम का अपन एक डेरिवेशन प्रूव किया था कल, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उसके लिए अपन ने कौन सी मेथड यूज की थी, ज्योमेट्रिकल मेथड्स। अब वही डेरिवेशन अपन प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस मेथड्स। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग डालता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर motion is accelerated motion. Accelerated motion by the calculus starting this UCM, we know that the definition of centripetal acceleration, क्योंकि uniform जो है UCM, uniform circular motion जो ये कौन सा motion है, accelerated motion, उसका दूसरा नाम कौन सा था, radial motion, शाबाश, it is a radial motion, और third motion क्या था उसका, centripetal acceleration, अच्छे तीन नाम उसके पास में थे, uniform circular motion is a accelerated motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ रेडियल मोशन एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये उसके तीन टाइटल है, राइट। सो वी डिफाइन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, इधर देखिए अभी समझें, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन बताइए, क्योंकि यूसीए में क्या है अपना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल है, पता है तुम्हारे को, क्योंकि इसको अपने ऑलरेडी प्रूव किया है कौन सी मेथड में, ज्योमेट्रिकल मेथड में, और कल अपन ने उसके एमसीक्यूज भी लिए, उसमें भी अपन ने क्लियर किया कंसेप्ट क्या डेफिनेशन आ सकती है, देखिए। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, सी हियर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कॉन्स्टंट लीनियर स्पीड, विथ कॉन्स्टंट लीनियर स्पीड and its direction towards the center of circle is called centripetal acceleration सिंपल डेफिनेशन, कल इसकी एमसीक्यूज लेना अपन ने, क्योंकि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर रहती, किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसके अपोजिट में है रेडियस वेक्टर के, बिकॉज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में थी इसलिए वहां पे कौन सी सही नहीं थी, नेगेटिव माइनस आया था,
अब ये माइनस साइन क्यों आया, ये अपन और किस मेथड से प्रूव कर सकते हैं, बाय कैलकुलस मेथड से। समझ में आएगी? तो इधर देखिए वापिस, व्हाट इज द डेफिनेशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन, जो उसका डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो किधर होगा, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अभी है क्या? नहीं। किसके तरफ है उसका डायरेक्शन? सेंटर के तरफ है, बराबर है। हमेशा ध्यान में रखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर रहता है, टुवर्ड द सेंटर। गॉट इट एवरीवन? उसको कहते हैं अपन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसको क्या कहते हैं अपन रेडियल एक्सेलरेशन, उसको क्या कहते हैं अपन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कितने नाम होंगे उसके पास? तीन नाम। यस और नो? यस। अब इधर देखो ये डेरिवेशन प्रूव करेंगे अपन बाय द यूज ऑफ कैलकुलस मेथड, तो वेरी इजी। तो सी हियर डेरिवेशन, तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। वी नो द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, बराबर। फिर उसके अंदर अपने क्या क्या पढ़े, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन, यस। उसके बाद में अपने लीनियर जो है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनका रिलेशनशिप पढ़ा, राइट। तो सेम हियर लुक एट, तो सपोज कंसिडर फॉर दिस डेरिवेशन वंस अगेन वी कंसिडर व्हाट इज द सर्कल इज कंसिडर, draw the circle, yes or no? Yes, circle बने बना लिया, क्यों निकाला सर्कल, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, राइट। सर्कल निकालने के बाद में देन यू ड्रॉ द व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस शाउस एक्सिस बना लिया, दिस इज द व्हिच पॉइंट, ओ ओ पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था, दे पी ए ए, यस और नो? यस। पहला पॉइंट consider A is the initial point of a particles, initial point of a particles P, ये उसका शुरुआत का पॉइंट है, इनिशियल कौन से पार्टिकल का, P। यहाँ पे जो पार्टिकल था अपने पास में उसको नाम क्या दिया था मैंने, PP दिया था, ये सब नो? यस। अब मैंने पार्टी का यहां पे रखा है ए पोजीशन पे, ये उसकी कौन सी पोजीशन है, स्टार्टिंग की पोजीशन है, वहां पर पार्टिकल रखा है ए पे, बराबर है। जब पार्टिकल ए पे है तब टाइम क्या है अपने पास में, जीरो का जीरो, टी का क्या टाइम है, टी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि मोशन ही नहीं है, क्योंकि मोशन के साथ में क्या कनेक्टिविटी है, टाइम की, जब जब मोशन आता है तब तब क्या अटैच होता है उसके साथ में, टाइम अटैच हो जाता है, ये सब नो? यस। ओके, सो A is the initial position of a particle. Consider A is the initial point of a particles. So write down here A is initial position of particles. बराबर। अब पार्टिकल A से निकलेगा वो कैसा करेगा? It continuously move अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसको क्या कहते हैं अपन सर्कुलर मोशन, राइट। सो पार्टिकल मूव अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अब ये पार्टिकल पी अगर यहां से निकल के यहां पहुंच गया, समझो उसको नाम दे दिया मैंने बी पॉइंट सी, ये सब नो? यस। लेट पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस, यहां तक पार्टिकल, बराबर, उसको क्या नाम दे दिया अपन ने बी पॉइंट। कंसिडर बी इज अ फाइनल पोजिशन पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, सर नो? यस। बी मेरी फाइनल पोजिशन हो गई। अब यहां से पार्टिकल निकला थी यहां पे चले गया, तो यहां पे इसने क्या बना लिया, आर्क बना लिया, एंगल बना लिया, सर नो? यस। जब पार्टिकल यहां से यहां तक मूव होगा उसने यहां से इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया जिसका नाम अपन ने रखा क्या, थीटा। यस और नो? यस। ओके,
So final position of particles in a time t, right? Theta क्या बन गया उसका? Angular displacement. Yes, right. जब पार्टिकल ए से निकला A पे पहुंच गया बी पे कितना एंगल बना लिया उसने थीटा थीटा क्या है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता है आपने क्या डेफिनेशन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द डेफिनेशन द एंगल मेड बाय अ आर्क ऑफ सर्कल विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनदर डेफिनेशन व्हाट इज द एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थर्ड डेफिनेशन क्या थी अपने पास में इट इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस वेक्टर दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यस ऑर नो यस ओके अभी तो देखिए अब ये जो दिस डायरेक्शन है ये वाली अभी अब सब सोच समझ के जवाब देना ये जो है ये कौन सा एक्सिस है रे ये कौन सा एक्स है तुम्हारा एक्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज रेडियस वेक्टर्स राइट उसके बाद में ये जो ऊपर लाइन गई ये कौन सा एक्सिस है शाबाश दिस इज द वाई एक्सिस इसका भी रेडियस वेक्टर कैसा रहेगा ऊपर रहेगा राइट उसके बाद में ये जो पॉइंट मूव हुआ ए से बी तक ये रेडियस कितनी थी अपने पास रेडियस इज आर सर नो यस अभी तक देखिए सो ओबी इज अ रेडियस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज आर उसका मैग्नीट्यूड कितना बना इसका ओबी का क्योंकि ओबी क्या है मेरी इट इज अ रेडियस वेक्टर इट इज रेडियस वेक्टर समझ में आया सबको यस सर नो यस ओके अब मैंने बताओ रेडियस वेक्टर को दूसरा नाम कौन सा दिया था पोजीशन रेडियस वेक्टर के नाम क्या है पोजीशन वेक्टर्स राइट पार्टिकल की जो पोजीशन है ए से लेके कहां तक चली गई अभी बी तक पार्टिकल कहां पे रीच हुआ अभी ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर करके ए भी डिस्टेंस कवर करके बराबर है अब ओए जो है वो तुम्हारी कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस इसको हमारे नाम दे दे यहां पे एक्स एक्सिस और ये जो अभी ऊपर जाएंगे इसको नाम देंगे अपन सपोज ओए बना लिया हमने ओएम ओएम क्या होगा तुम्हारा वाई एक्सिस सर नो यस लेट्स बी राइट डाउन हियर सो ओए इज अ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज ओएम इज वाई सर नो यस राइट इट इज क्लियर तुम्हारी वाई एक्सिस ये सब तुम दसवीं में पढ़े हो बराबर है जी लाइन हॉरिजॉन्टल से किला मानते एक्स एक्सिस जी लाइन वर्टिकल से किला मानते वाई एक्सिस बराबर है अब इधर देखो अब जब पार्टिकल ए से चले गया बी तक उसका नाम ऊपर ले सकता पी अब इधर देखो दिस इज द बी पोजीशन पार्टिकल नाउ हियर अब पार्टिकल यहां पे पहुंच गया तो पार्टिकल के पास में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं रे देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स एक है उसके पास में एक्स दूसरा है उसके पास में वाई क्योंकि मोशन जो है सर्कुलर मोशन का वो कौन सा मोशन है इट इज द टू डायमेंशनल मोशन ये बात समझ लो अच्छे से इस सर्कुलर मोशन जो है वो कितने डायमेंशन का मोशन है टू डायमेंशनल नॉट अ थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशन बोले तो उसमें कितने एक्सेस आती तीन एक्स आएंगी वाई आएंगी लेकिन सर्कुलर मोशन जो है इसमें कितने डायमेंशन आ रहे हैं दो एक आ रहा अपने पास में एक्स एक्सिस दूसरा आ रहा अपने पास वाई एक्सिस जैसे अपन है अपन कितने डायमेंशन में मूव होते हैं तीनों डायमेंशन में अपन सीधी भी जा सकते हैं ऐसे भी जा सकते हैं ऊपर भी उड़ सकते समझ में आएगी अवर बॉडी इज मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बट सर्कुलर मोशन इज अ व्हाट टाइप ऑफ द मीन्स डायमेंशन दे आर टू डायमेंशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उसमें दो ही डायमेंशन होंगे समझ में आएगी नहीं और उधर देखिए
अब दो डायमेंशन इसलिए वहां पे एक्स आ गया, एक दूसरा क्या आ गया वाई आ गया। ओके तो अपने नाम लिख लिए। अब मुझे इतना बताओ इसके पास में दो कोऑर्डिनेट आ गया एक्स और दूसरा आ गया वाई पी के पास में। यस तो पी पी हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट्स एक्स एंड बराबर। अब इसके तरफ अब ये पी पॉइंट से क्या क्या मैंने यहां से डाला परपेंडिकुलर किस पे ओए पे बराबर। फ्रॉम द पॉइंट पी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन अ ओए सी परपेंडिकुलर समझ सकते ना कंस्ट्रक्शन ये डाला मैंने परपेंडिकुलर। ओके सो हियर और थर्ड पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन ओ ए एज शोन इन फिगर यस और नो यस बराबर। ओए पे डाला मैंने परपेंडिकुलर बराबर आपको समझ गया अभी। अब ओए पे डाल दे इसको नाम दे दिया मैंने सपोज पी क्यू कुछ भी दे सकते नाम अपन क्या नाम दे दिया उसको मैंने पी क्यू बराबर। अब ओ क्यू के लिए भी मैंने एक पैरल लाइन निकाली कहा से पी से बराबर है यहाँ पे ऐसे मैंने बना दी क्यू बढ़िया दिस इज माय पी क्यू इसको बना दिया मैंने यस बराबर। अब जितना मेरे पास में ओ क्यू है उतना ही मेरे पास में क्या रहेगा यस पी रहेगा क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में क्या है ये समझ में आया कॉन्सेप्ट यस और नो यस। ओ क्यू इज इक्वल टू द व्हाट इज यस पी व्हाई बिकॉज बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर शाबाश। उसके बाद में पी क्यू जितना है उतना भी क्या रहेगा अपने पास यस हो जाएगा बिकॉज दिस टू लाइन ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर डू यू गॉट इट। ओके सो लेट्स सी वंस अगेन सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन इज ऑन अ ओए एज शोन इन फिगर मैंने ये बना दिया। अब इधर देखो जो तुमको ग्यारहवीं में कंसेप्ट था जो पहला चैप्टर है ग्यारहवीं का स्केलर है वेक्टर्स तो उसमें मैंने कल बताया तुम्हारे को कि कंसेप्ट आता है कौन सा यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर की कल डेफिनेशन में बताइए क्या डेफिनेशन थी यूनिट वेक्टर की कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहता है वन यूनिट वेक्टर की जी वैल्यू आई थी वन मनुष्य यूनिट वेक्टर यूनिट का मीनिंग बोले तो एक चलो एक बन पाए अपन नहीं एक चल आगे अपन यूनिट होगा है समझ में आएगी। तो फिर ये जो पॉइंट पी है कितनी पॉइंट है इसके पास दो एक है एक्स वाला और दूसरा है वाई वाला एक्स एक्सिस कौन सी हो गई ओ ए वाई एक्सिस हो गई अपनी ओ एम बराबर है। अब एक्स एक्सिस में जो अपने पास में यूनिट वेक्टर रहता है उसको कहते हैं अपन आई जो वाई के पास में रहता है उसको कहते हैं अपन जे जो Z के पास में रहता है उसको कहते हैं अपन K तो कितनी यूनिट वेक्टर अपने पास में तीन I J और K यस और नो यस तो बाय द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बाय द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स फॉर अ पॉइंट P ऑन द पॉइंट P so what is we get the equation we get the one equation is equal to what is see here देखो अब यार r is equal to I what is x right r unit vector plus I j unit vector into y this is my equation number one समझ में आ गया ये समझ में आया कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट कहां से आया ग्यारहवीं से ये ग्यारहवीं में ये सब चीज यूनिट वेक्टर की किसके लिए है ये पोजीशन वेक्टर के लिए क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो पी ओ ए से जो ये जो डिस्टेंस है ओपी ये डिस्टेंस कितना है अपने पास आर डिस्टेंस है बराबर है क्योंकि ओपी जो है अपना ओपी जो है उसका जो डायमेंशन है वो कितना है भाई आर वेक्टर है रेडियस है ना अपनी तो ओपी बराबर क्या हुआ अपने पास आर
तो ये जो कंसेप्ट आया आर यूनिट वेक्टर का, ये क्या आ गया, आई एक्स प्लस जे वाई इज इक्वल टू द वन, इक्वेशन नंबर वन। ये कहां से आया है, ग्यारहवीं से, ग्यारहवीं में पूरे से एक्सप्रेशन पहले चैप्टर में स्केलर एंड वेक्टर्स, समझ में आएगी। सो दिस इज द आर यूनिट वेक्टर इक्वेशन नंबर वन। अब इसको बना दिया इक्वेशन वन, अब इधर देखो सब जन अच्छे समझ गया। अब ये जो तुम मेथड देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, इसमें ट्राइंगल कहां पे है बताइए, अभी ट्राइंगल ट्राइंगल सांगा OPQ, शाबाश, कौन सा ट्राइंगल है OPQ, OSP, OSP है, बराबर है। अब OPQ कंसीडर करेंगे, कंसीडर थोड़ा कठिन डेरिवेशन है पर सिंपल है, कंसीडर ट्राइंगल OPQ, OPQ बना लिया राइट। आप सोच समझ के जवाब दो मुझे, जिसको पूछूंगा उसको, कि यहां पे अगर मैंने कंसीडर कर लिया कॉस थीटा की डेफिनेशन, तो क्या आएगा बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्म ट्राइंगल OPQ, कॉस थीटा है यहां पे बताइए, कॉस थीटा की डेफिनेशन, कॉस थीटा क्या रहता है, डेफिनेशन ऑफ द कॉस थीटा राइट। तो कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट साइड कितने इसके लिए, ये ट्राइंगल के लिए, OPQ के लिए बताइए मुझे, सब इम्पोर्टेंट है ना, आठवीं नौवीं दसवीं सब आता है यहाँ पे, कोई मजाक नहीं है कोई चीज। कौन सा है OQ, एडजेसेंट साइड इसके लिए, कॉस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड होगी OQ, OQ वेरी गुड, OQ अपॉन हाइपोटेन्यूस OP, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूस बन गई अपनी OP बराबर। तो OQ बराबर क्या हो गया, कॉस इंटू बराबर। तो मुझे बताओ अभी OQ की वैल्यू कितनी है, x है बराबर, OQ का जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास, x है, दिस डायमेंशन इज x, तो OQ की जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स, x इज इक्वल टू cos थीटा, OP कितनी है बड़ा लो, OP कितनी है, अभी साइन थीटा का क्या डेफिनेशन है, अपोजिट।